नो मीन्स नो, मतलब ना बोले तो ना, बहुत अच्छा ट्रेलर था। आई वांट टू विश ध्रुव वर्मा ऑल द बेस्ट फॉर नो मीन्स नो। वर्मा को ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ नो मीन्स नो का। नो मीन्स नो, नो मीन्स नो, नो मीन्स नो, नो मीन्स नो, मतलब ना का मतलब ना होता है कि अगर आपने ना बोल दिया तो उसका मतलब ना, उसके आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। नो मीन्स नो। जैसे जी, नो मीन्स नो का ट्रेलर कैसा लगा आपको? जो ट्रेलर लॉन्च हुआ है, फिल्म अभी आई नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? नो मीन्स नो, मतलब ना बोले तो ना, बहुत अच्छा ट्रेलर था, बेस्ट इंटरनेशनल ट्रेलर ऑफ 2021। ध्रुव वर्मा को कॉन्ग्रेचुलेशन है, पूरे टीम को ये लोग की कॉन्ग्रेचुलेशन है, हमारे गुलशन ग्रोवर सर भी है। रॉकिंग होगा मूवी, सुपर हिट मूवी, बेस्ट ऑफ लक, नो मीन्स नो। और ये मूवी के लिए यस मीन्स यस। इसमें एक्शन कैसा लगा आपको जो दिखाए गए हैं? सुपर एक्शन था, एक्शन वॉज फनॉमिनल, फनॉमिनल एक्शन। मुझे कोई कोई टॉम क्रूज की याद आ गई, कोई कोई देख के चीज़ें। और बहुत बहुत अच्छी अच्छी गोरी गोरी लड़कियां हैं और पोलैंड में हैं, यू नो, प्यार हो रहा है, एक्शन हो रहा है और ये सब हो रहा है, तो बहुत एंटरटेनिंग मूवी होने वाली है। नो मीन्स नो, ध्रुव वर्मा, कंग्रेचुलेशंस। ट्रेलर बहुत अच्छा है, ट्रेलर जब इतना शानदार है तो फिल्म कितनी शानदार होगी वो तो देख के ही बताऊंगा मैं। नो मीन्स नो, नो मीन्स नो। ध्रुव वर्मा के बारे में जो एक्शन मूवी है, एक्शन किया उसमें क्या कहना चाहेंगे? ध्रुव वर्मा की ये जो है डेब्यू मूवी है और अभिनय मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, फिल्म देखूंगा तो और बताऊंगा। बहुत ही अच्छा लगा एंड आई वांट टू विश ध्रुव वर्मा ऑल द बेस्ट फॉर नो मीन्स नो। एंड काफ़ी एक्साइटिंग ट्रेलर था, सो आई गेस द मूवी बहुत ही अच्छी होगी। इसकी रिएक्शन की अगर बात करें, काफ़ी बॉलीवुड की जो है, क्या कहना है इसको, आपने देखा? इसके जो ट्रेलर में मैंने स्टंट्स देखे वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगे, सो एक्शन पैक्ड फिल्म होगी, इसमें आई थिंक रोमांस का भी एक अच्छा एंगल होगा, सो लेट्स सी, आई एम एक्साइटेड टू वॉच द फिल्म। ट्रेलर देखकर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, अब फिल्म का ही वेट कर रहा हूँ मैं। हाय दोस्तों, मैं हूँ कॉमेडी इन VIP और हाल ही में मैंने एक मूवी का ट्रेलर देखा जिसका नाम है नो मीन्स नो, जिसमें ध्रुव वर्मा एक्टर है। पहली फिल्म है भाई, और पोलैंड में फिल्म शूट हुई है, ये बहुत अच्छी बात है। और एक्शन तो बाप रे, भर भर के एक्शन है, बहुत शानदार एक्शन है भाई। ध्रुव भाई रियली ग्रेट, मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट कहूँगा, बहुत शानदार एक्शन है। और मैं उत्सुक हूँ बहुत कि ये फिल्म कब आएगी, जब ट्रेलर इतना शानदार है तो मूवी क्या होगी। और एक शॉट जो मुझे पसंद आया वो हेलीकॉप्टर वाला, और जिसमें आप जो भाग रहे हैं वो बड़ा शानदार था, जो शूट किया है पोलैंड में शूट हुआ यार, मतलब 80% पोलैंड में हुई है, 20% इंडिया में हुई है, तो मेरे ख्याल से फिल्म धमाल जाएगी। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है और आगे जाके कई भाषाओं में बनेगी। तो मेरी तरफ से ध्रुव भाई ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर मूवी नो मीन्स नो, लव यू भाई। नाना पाटेकर अंदाज में, अरे मैं देखा ट्रेलर, देखा नो मीन्स नो, अच्छा लगा। उसमें मैं देखा कि एक्शन ऐसा भर भर के है, हेलीकॉप्टर आता है, यहाँ फाइट होती है, उसको मारा, यह भागना हुआ, बर्फ का सीन है, अच्छा है, हीरो बड़ा प्यारा लगा मुझे, ध्रुव वर्मा। देखेगा मैं पूरा पिक्चर, देखेगा ट्रेलर देखा है, अच्छा है, पूरी फिल्म कैसी होगी, मजा आएगा। अमिताभ आ जाते हैं इतने। देखिए मैं ऐसा है कि ध्रुव जी, जिस तरह से मैंने आपका आज ट्रेलर देखा, मैं तो आपका कायल हो गया हूँ। और मुझे लगता है कि इस फिल्म में अगर मैं भी होता, मतलब मुझे भी आपके साथ काम करने का मौका मिलता, ऐसे कलाकार, ऐसे इतना अच्छा हुनर है आपके अंदर, जो आपने फाइट वाले सीन दिए, जो आपने एक्शन वाले सीन दिए, बहुत बेहतरीन थे। और कभी मौका मिला तो मैं आपके साथ काम करूँगा, ये बीबी का वादा है भाई। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं ध्रुव वर्मा को ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ। नो मीन्स नो का ट्रेलर मैंने देखा अभी हाल ही में और ऑल द बेस्ट टू हिम, बहुत ही अमेजिंग लगा मुझे। एंड स्क्रिप्ट मुझे लगता है बहुत अमेजिंग होने वाली है, सो गुड लक, ऑल माय विशेस आर विद यू। क्या कहना चाहोगे ट्रेलर के बारे में नो मीन्स नो? सर सबसे पहले तो मैं ध्रुव वर्मा को शुभकामनाएं दूंगा, कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा। जिस प्रकार से उनकी मूवी जो ट्रेलर आया हुआ है नो मीन्स नो, वो ज़बरदस्त एक्शन सीन में दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही ग्रेट फ्यूचर है ध्रुव वर्मा का। जिस प्रकार से अगर ट्रेलर देखा जाए तो अभी तो पिक्चर पूरी बाकी है, और जब ये पिक्चर थिएटर में लगेगा तो लाजवाब
जब लोगों के सामने फिल्म आएगी तो जाहिर सी बात है 100% शोर हूँ मैं कि फिल्म बहुत बहुत अच्छा काम करेगी और ध्रुव वर्मा का बहुत ज़्यादा नाम होगा फिल्म के जरिए। नो मीन्स नो, ना का मतलब ना, नो मीन्स नो मतलब ना का मतलब ना होता है कि अगर आपने ना बोल दिया तो उसका मतलब ना, उसके उसके लिए आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और हैट्स ऑफ टू ध्रुव वर्मा एंड स्टीव और होपफुल की फिल्म अच्छा काम करेगी और ध्रुव वर्मा इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम करते हुए जाएंगे। 80% पोलैंड में शूट हुआ है, 20 इंडिया में, एक्शन देखकर क्या कहना है सर? सर अब नॉर्मली बहुत सारी फिल्में विदेशों में शूट होती बॉलीवुड की, लेकिन पोलैंड जैसे खूबसूरत जगह पर शूट करना मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लोकेशंस चुना है नो मीन्स नो टीम ने। सो मजा आएगा देखने को, एक्साइटेड हूँ। मिस करना चाहेंगे ध्रुव वर्मा को? आई विश हिम लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर हिज फ्यूचर एंड होप ही विल बिकम अ ह्यूज एक्टर एंड सेलिब्रिटी। कैसा लगा आपको ट्रेलर? ट्रेलर काफ़ी बढ़िया है और शानदार ट्रेलर है। और कैरेक्टर की बात करें तो लोगों ने कैरेक्टर भी अच्छा निभाया है। और अगर शूट की बात करें तो शूट भार्गव में हुआ है और काफ़ी अच्छी प्यारा ये ट्रेलर जो है लॉन्च हुआ है, काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। ध्रुव वर्मा के बारे में क्या? हाँ, ध्रुव वर्मा की पहली डेब्यू फिल्म है, जिनमें इस फिल्म में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और मुझे लगता है आगे जाके वो अच्छा एक प्लेटफॉर्म बना सकते खुद के लिए। टाइटल के बारे में क्या? नो मीन्स नो, नो नो मीन्स नो टाइटल काफ़ी गुदबुला टाइटल है, अगर आप फिल्म देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। कैसा लगा ट्रेलर आपको? नो मीन्स नो, बाकी बहुत ही बढ़िया प्रोमो बना है। ट्रेलर देख के ऐसा लगा कि यार मुझे फिल्म देखने की एक जिज्ञासा हो गई। और जो एक्टर मेरे ख्याल में जो नाम पढ़ रहा हूँ मैं, ध्रुव वर्मा लिखा है, काफ़ी अच्छा एक्टिंग की है उसने और फिल्म में गुलशन ग्रोवर भी है। फिल्म की शूटिंग जो देख रहा हूँ, जो ट्रेलर में देख रहा है, तब पोलैंड में शूटिंग हुई है फिल्म की 80% शायद और 20% इंडिया में हुई है। इस फिल्म को मैं लोग फिल्म का नाम भले नो मीन्स नो है लेकिन देखूंगा जरूर, यस मीन्स यस। दर्शकों को जल्दी देखने को मिलेगी फिल्म नो मीन्स नो। ये फिल्म में डेब्यू कर रहे हैं ध्रुव वर्मा और ये फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग हुई है पोलैंड में। फिल्म की लगभग 80% शूटिंग पोलैंड में हुई है और 20% भारत में हुई है। फिल्म की खास बात यह है कि ये एक हॉलीवुड स्टाइल पिक है। एक्शन से लेकर जो भी सीक्वेंस उसमें फिल्माया गया है वो देखने में लगता है कि किसी हॉलीवुड फिल्म का कॉपी किया गया है इस फिल्म को, लेकिन जो भी दर्शाया गया है काफ़ी अच्छा कैमरा वर्क है। फिल्म की एक खास बात है कि इसमें गुलशन ग्रोवर भी नज़र आएंगे। फिल्म में फॉरेन आर्टिस्ट भी हैं जो फिल्म को खास बनाता है। तो दर्शकों को इंतजार रहेगा इस फिल्म का जिसका नाम है नो